नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं द न्यूज गैरेज। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि पेट्रोल डीजल के जीएसटी के तहत लाने पर केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगले जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान विपक्षी नेताओं ने पेट्रोल और डीजल के आसमानी रेट का मुद्दा उठाया और इसे जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है। इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों टैक्स लगाती हैं। अगर पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को लेकर चिंता है तो सभी राज्य के वित्त मंत्री इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस मुद्दे को एजेंडे में शामिल किया जाएगा और इस पर गंभीर चर्चा भी की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 24 मार्च को सीबीएसई के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री के ट्वीट के अनुसार वे आज शाम 5 बजे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय का फ्रेमवर्क को लॉन्च करेंगे। यह कार्यक्रम सीबीएसई और ब्रिटिश काउंसिल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह असेसमेंट फ्रेमवर्क NCERTE और CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य कक्षा 6वीं से 10वीं तक पढ़ाए जाने वाले अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषयों के स्तर में सुधार लाना है। वहीं CBSE के कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट का मकसद छात्रों के क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ अवेयरनेस, अपैंथी, डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोपिंग विद स्ट्रेस और कोपिंग विद इमोशंस जैसे 10 लाइफ स्किल्स का विकास करना है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर करना अब थोड़ा महंगा होगा। कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन से चलने वालों को इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के रूप में 5 रुपए ज्यादा देना होगा। 1 अप्रैल से हल्के व्यावसायिक वाहन, भारी वाहन और मिनी बस के लिए भी लागू होगी। बस व ट्रक के लिए टोल दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए इन दरों को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि टोल टैक्स पर यूपीडा की ओर से दी जाने वाली 25% की छूट इस साल जारी रहेगी। अगर यह छूट बंद हो जाए तो एक्सप्रेसवे पर वाहनों का चलना और महंगा हो जाएगा। यह बढ़ोतरी थोक मूल्य सूचकांक पर आधार की गई है। यूपीडा ने टोल टैक्स वसूलने वाली एजेंसी को भी बदल दिया है। अब सहकार ग्लोबल एजेंसी को 2 साल के लिए ई टेंडर के जरिए टोल टैक्स वसूलने का जिम्मा सौंपा गया है। तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया है। मंगलवार देर रात यहां के त्रिची के पुल पर चेकिंग के दौरान एक कार के अंदर से 1 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया। बरामद की गई रकम जब्त कर ली गई है और आयोग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जिस गाड़ी से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई है उसमें अनाद्रमुक का झंडा लगा हुआ था, इसलिए माना जा रहा है कि यह रकम पार्टी की ओर से चुनाव में खर्च करने के लिए लाया गया था। दरअसल चेकिंग के दौरान TN48 AU1515 SUV को रोका गया। इसमें चेकिंग की गई तो अंदर से कैश भरा हुआ झोला बरामद हुआ। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी पूरी तरह से सील बंद व पैक की गई थी। हालांकि गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। SUV में AIDMK का झंडा लगा हुआ था। फिलहाल कैश के दस्तावेज मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में ऑनलाइन संवाद करने के लिए हिमाचल प्रदेश की निजी स्कूलों के 9 और सरकारी स्कूलों के 7 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। कांगड़ा के 9, शिमला के 3, ऊना के 2 और चंबा हमीरपुर के 1-1 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इनके अलावा 2 अभिभावक और 2 शिक्षक भी ऑनलाइन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। SCERT सोलन ने प्रदेश से 16 विद्यार्थियों, 2 शिक्षकों और 2 अभिभावकों का चयन किया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से 8,588 ने पंजीकरण कराया था। सरकारी स्कूलों से सिर्फ 90 और निजी स्कूलों से 6,705 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। कोरोना संकट के चलते इस बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा।
इस दौरान पीएम मोदी विद्यार्थियों को तनाव दूर करने के टिप्स देंगे। ऑनलाइन क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन पास करने वाले विद्यार्थियों का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयन किया गया है। कार्यक्रम मार्च के अंत में होना संभावित है। प्रदेश से 6,795 विद्यार्थी, 1,223 शिक्षकों और 570 अभिभावकों ने पंजीकरण करवाया था।